हेमंत सोरेन ने चला मास्टर स्ट्रोक, एक साथ ही कर दिए कई बड़े ऐलान, अब क्या करेगी बीजेपी। हेमंत सोरेन के सीएम शपथ और उसके बाद उनके मंत्रियों की शपथ के बाद अब हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया। नौकरियां हेमंत सोरेन का सबसे कमजोर नब्ज रहा है, इसी को लेकर ऐलान किया कि सितंबर के अंत तक 30,000 नियुक्तियां हो जानी चाहिए। इसके अलावा कई अन्य मसलों को लेकर अहम बैठक की, जिसके बाद बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है। चुनाव प्रचार में हेमंत सोरेन इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे, ये बताएंगे कि 5 महीने हमारा काम करने का टाइम था लेकिन उस वक्त हमें साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया। आखिर हेमंत सोरेन ने वो कौन कौन से बड़े ऐलान किए जिसके बाद बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है। हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक की और साफ तौर पर कहा सितंबर महीने के अंत तक 30,000 नौकरियां युवाओं को मिल जानी चाहिए। इसके अलावा कहा 5,000 पुलिस और 583 उत्पाद सिपाही की भी भर्ती हो जानी चाहिए। अधिकारियों ने यह इंफॉर्मेशन दिया कि 583 उत्पाद सिपाही की दौड़ प्रक्रिया जो है वो जुलाई के अंत तक कंप्लीट हो जाएगी और 5,000 पुलिस की दौड़ प्रक्रिया 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और ये कहा सिरम टोली से जो मैकन चौक है, निर्माणाधीन जो पुल है, फ्लाईओवर है, उसके निर्माण कार्य में जो बाधा आ रही है उसे जल्द से जल्द दूर कर जो है वो निर्माण कार्य पूरा किया जाए। इसके अलावा नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कांटा फ्लाईओवर का काम भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा स्मार्ट सिटी के तहत ताज होटल निर्माण और अपोलो अस्पताल निर्माण कराना सरकार की प्राथमिकता है और ये भी कहा रांची, जमशेदपुर, धनबाद में पुलिस जो है, प्रशासन जो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करे ताकि पुलिस जो है वो अपराधियों पर लगाम लगा सके, अपराधियों में खौफ पैदा कर सके। इसके अलावा ये भी कहा कि पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो जनता दरबार लगाएं, लोगों की परेशानियों को सुने और उनका सॉल्यूशन निकालें। इसके साथ ही बता दें कि दीपिका सिंह पांडे जो हैं वो कृषि मंत्री नहीं है और साफ तौर पर कह दिया है कि जो पहले किसानों का लोन 50,000 तक का माफ होता था अब 2,00,000 तक का लोन जो है वो माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि मित्र जिनको जो है सालाना जो है वो 12,000 मिलते थे अब 24,000 मिलेंगे। हालांकि कृषि मित्र का ये कहना है कि उनका मानदेय नहीं है बल्कि कागज कलम के लिए ये पैसे मिलते थे लेकिन हमें मानदेय नहीं मिला है, लेकिन पहले जो सालाना 12,000 कृषि मित्र को मिलते थे अब उसे बढ़ाकर 24,000 कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आपको बता दें कि बादल पत्र लेख को लेकर के जो है वो कृषि मित्र लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे। जब मंत्रियों का शपथ नहीं हुआ था उस वक्त भी जो कृषि मित्र हैं वो कांग्रेस के दफ्तर में धरना दे रहे थे, विरोध कर रहे थे, जिसके बाद बादल पत्र लेख को हटाया गया, दीपिका पांडे सिंह को जो है मंत्री बनाया गया। इसके अलावा बता दें कि बन्ना गुप्ता ने रिम्स प्रबंधन के साथ बैठक की, उस वक्त संजय जो सेठ हैं वो भी वहां मौजूद थे जो रांची के सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और ये कहा कि अनुबंध जो कर्मी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा था कि हमने स्टीयरिंग पकड़ ली है, अब जो आगे का कार्य है वो काफ़ी तेजी से होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन ने कई बड़े बड़े दावे किए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले क्या हेमंत सोरेन इन तमाम वादों को पूरा कर पाएंगे। अगर वो 30,000 नौकरी देने में सफल होते हैं तो बीजेपी अगर उन्हें रोजगार के नाम पर घेरेगी तो हेमंत सोरेन चुनावी मंचों से इस बात का जिक्र करते दिखेंगे, ये काम तो हम 6 महीना पहले ही कर देना चाहते थे लेकिन बीजेपी जो है वो लगातार हमारे सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करती रही और फिर साजिश के तहत हमें जेल में डाल दिया। तो ये पूरी लड़ाई परसेप्शन की है और उसी परसेप्शन को गढ़ने की कोशिश जो है वो हेमंत सरकार कर रही है और इसलिए जो कृषि जो माफ करिएगा किसानों का जो लोन माफ हुआ है पहले 50,000 का अब 2,00,000 का और MSP को लेकर भी लगातार झारखंड सरकार सवाल उठा रही है ताकि जो केंद्र सरकार की नीतियां रही है 3 कृषि कानूनों को लेकर और जिस तरीके से किसान नाराज हुए थे उसका फायदा उठाया जा सके। तो हेमंत सोरेन ने एक साथ कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं, हालांकि देखना दिलचस्प हुआ कि बीजेपी इसका क्या कार्ड प्रस्तुत करती है। ये सारी तैयारियां जो हैं वो चुनाव प्रचार को लेकर हो रही है कि जब हेमंत सोरेन इंडिया गुट चुनाव प्रचार में जाए और जब बीजेपी उन पर मंचों से हमला करे तो उसके काट के तौर पर हेमंत सोरेन और उनके लोग जो हैं वो क्या कुछ कह पाते हैं।
तो हेमंत सोरेन ने वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक चला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मास्टर स्ट्रोक किस हद तक बीजेपी का जो प्रहार है, बीजेपी की जो आक्रमण है, उसको कूंद कर पाता है, कम कर पाता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।